एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और तो क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं ऐसा कुछ खास नहीं कर रही हूँ, और आज सच में व्लॉग बनाने का मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना ली जाए और कुछ बातें कर ली जाए आपसे। और मेरा जो बेटा है वो अभी सो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो वो सो रहा है, तो वो अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अभी मुझे लाइक थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम भी करना था। अभी क्या है ना कि नवरात्रि चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा पूजा पाठ, 4-5 दिन तक तो अच्छे से मैंने पूजा पाठ किया। और इसमें क्या होता है ना, रामनवमी के दिन हमारे घर में कुल देवी देवता की पूजा होती है, तो मैं सोच रही थी कि इस बार मैं सारी पूजा देखूँगी, रहूँगी, करूँगी। माँ को भी बोला था कि माँ इस बार सारी पूजा पाठ सब कुछ मैं बहुत अच्छे से करूँगी और सब देखूँगी भी, क्योंकि मतलब अच्छा रहता है ना घर की बहुएँ पूजा पाठ सब कुछ करे तो। और मैंने माँ को बोला था कि आप सब कुछ मुझे बताना कि कैसे कैसे होता है पूजा पाठ, क्योंकि मैंने अपने घर में शुरू से देखा है कि मेरी मम्मी जो हैं वो सबसे बड़ी हैं और वो शुरू से ही सारा पूजा पाठ सब कुछ करते हुए आ रही हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं वो भी अपने घर में बड़ी हैं, तो वो भी हमेशा सब पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती है अपने घर के जो कुल देवी देवता होते हैं। तो ऐसा था कि जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी ना, तो मैं भी वहाँ पे सारे पूजा पाठ बहुत अच्छे से करूँगी। और इत्तेफाक भी ये है कि अपने घर में यहाँ मेरे ससुराल में बड़ी बहू भी मैं ही हूँ, इसलिए मतलब सब कुछ पूजा पाठ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने जैसे निभाई है वैसे ही मैं निभाऊँ, ये मैं हमेशा सोचती हूँ, है ना। और सच बताऊँ तो लाइक सब कुछ मैंने अपनी मम्मी और अपनी बड़ी दीदी से ही सीखा है, क्योंकि वो लोग दोनों बड़ी बहू हैं अपने घर की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, सब कुछ एक बड़ी बहू की क्या होती है, उन दोनों से ही मैंने सीखा है। और लाइक होप कि यहाँ पर मैं निभा पा रही हूँ, शादी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, और धीरे धीरे लाइक अपने तरफ से तो पूरा एफर्ट में लगाती हूँ, बाकी ठीक है, घर वाले भी खुश ही रहते हैं। माँ को बोला था कि मुझे आप बताइएगा कि कैसे पूजा पाठ सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर ना मेरी फर्स्ट होली थी और उस टाइम पे लाइक मेरी प्रेगनेंसी भी थी और मेरी फर्स्ट होली भी थी, तो मैं उस टाइम अपने मायके में थी, तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ से माँ ने भी बोल दिया था कि अभी नवरात्रि है तो रहन दो फिर, और वहाँ मम्मी ने भी बोल दिया था कि नवरात्रि चल रही है तो हम बेटी विदा नहीं करेंगे अभी, इसलिए नवरात्रि फिर मैंने वहीं कहा था। मम्मी बोल रही थी कि तुझे अब वहीं तो करना है पूजा पाठ, हर साल करना तो आराम से, इस साल रह ले अब यहाँ पर, इसलिए फिर मैं पिछले साल यहाँ पर थी नहीं, बट मेरा आने का बहुत मन था क्योंकि कुल देवी देवता की पूजा थी इसलिए। तो मम्मी ने कहा कि अब नेक्स्ट ईयर से सारा पूजा पाठ करना तो अपने घर जाके, फिर माँ ने कहा कि ठीक है वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा तो करना ही है पूजा पाठ। और इस बार ऐसा हुआ कि मैं सोच के रखी थी 5 दिन नवरात्रि के मैंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ सारी चीज़ें करी, बट माता रानी की जैसी इच्छा मेरी तबीयत खराब हो गई, मंथली प्रॉब्लम है, तो अब मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगी, कुल देवी देवता की भी पूजा नहीं कर पाऊँगी। और इनका फास्ट है तो हमने एक कंजक भी खिलाना था, अब वो भी नहीं कर पाऊँगी, और सारा बर्डन वहाँ पे ही है, वही कर रही है सब कुछ। और अभी जस्ट मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। गाइस, मैंने हेयर कट करवा लिया है ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया कि मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो लाइक मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं तो अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे साथ साथ में मेरे बालों से ना मेरे यहाँ ससुराल वाले जितने भी हैं सब लोगों को मेरे बाल बहुत अच्छे लगते थे, और मेरे बाल कटवाने से सब लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हुए, अरे इतने लंबे बाल क्यों कटवा लिए, क्यों कटवा लिए। और सिर्फ मेरे ससुराल वाले नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आपके बाल इतने सुंदर थे, है ना, आपने देखा होगा मेरे बाल कैसे लंबे लंबे सुंदर से थे। सब लोगों ने मुझे यही बोला कि क्यों कटवाया बाल, क्यों कटवाया। बहुत सारी मुझे डांट भी पड़ी, और ऐसा ही कि नहीं कटवाना चाहिए था बाल। लेकिन मैं सच बताऊं तो डिलीवरी के बाद मेरे जो बाल है ना वो इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, एक बार जब मैं कंघी करती थी ना इतने इतने बाल निकलते थे। और मेरे बाल क्योंकि लंबे थे, और जिनके लंबे बाल हैं उन्हें पता होगा कि जब हम ऐसे कंघी करते हैं ना
तो लंबे बाल ज़्यादा उलझते हैं और बहुत दिक्कतें होती है। तो कभी कभी खाना बनाते वक्त खाने में बाल, यहाँ बाल वहाँ बाल, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और वैसे भी फिर हेयर वॉश करना, फिर जब तक बाल नहीं सूखता है तब तक बोलते फीड नहीं कराना बेबी को, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैंने हेयर कट करवा लिए। दिल पे पत्थर रख के करवाया है मैंने, वो तो मैं ही जानती हूँ कि इतने दिनों से मैं अपने बालों की इतने अच्छे से केयर करती थी और सडनली ऐसे बाल कटवा लेना, मतलब बाकी लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो फिर मुझे कितना लग रहा होगा, है ना। सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि तुम्हें बाल नहीं कटवाना चाहिए था, चाहे जो हो जाए, टूट रहे थे, झड़ रहे थे, जो हो रहे थे होने देना था, पर बाल नहीं कटवाना था। बट मैं सबको यही बोलूँगी कि एज अ न्यू मॉम हम अपने ऊपर बिल्कुल, मैं सच बता रही हूँ, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, सब लोग, मेरे इन लॉज और सब मेरे देवर नंद, सब लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सब लोग ध्यान रखते हैं बाबू का भी और साथ में हर चीज़ का। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता है, है ना। एक वीडियो व्लॉग में जैसे तैसे बना लेती हूँ, उसको एडिट करते करते मुझे ना 3 दिन 4 दिन कभी कभी हफ्ते भी लग जाते हैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। एडिट करना, उसको वॉइस ओवर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वीडियो तो चलो हम कैसे भी रख के शूट कर लेते हैं, हो जाता है, बट एडिटिंग, वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें ना बहुत लेंदी हो जाती है। तो अपना ख्याल हम कैसे रखेंगे, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम फेस पैक कब लगाया था, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम नेल पेंट कब लगाया था, है ना। मैं रेडी होती हूँ आजकल, लाइक मुझे पहले आधे घंटे 1 घंटे लगते थे साड़ी पहन के रेडी होने में, और अभी मैं सिर्फ 5 मिनट में साड़ी भी मैं जैसे तैसे पहन लेती हूँ। इसलिए मैं साड़ी जल्दी पहनना पसंद करती नहीं। माँ मुझे कभी कभी बोलती हैं कि साड़ी पहन लिया करो कभी कभी, और ऐसा मैं भी सोचती हूँ कि साड़ी पहन लिया करूँगी, बट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे कहीं जाना है ना तो एक एक करके चीज़ें, मतलब फटाफट से जैसे साड़ी निकाल ली, चूड़ी निकाल ली, ऐसे करना होता है। अभी खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम अभी पूरा ध्यान अपने बेबी पे लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी होते जा रही हूँ, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि मोटे हो रहे हो, हाँ डिलीवरी के बाद मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, और पता नहीं क्यों हो रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और मेरी बॉडी में तो ऐसा है कि खाना तो छोड़ो पानी भी लग जाती है। वो बोलते हैं ना कि यार हमें खाना पानी लगता नहीं है, तो मेरा ऐसा है कि खाना तो छोड़ दो पानी भी लग जाती है। तो वैसे भी डिलीवरी के बाद भी लाइक बहुत सारा खाया पिया सब कुछ मेरे शरीर में लग गया है, तो उसके लिए मुझे लाइक बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों का भी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। लाइक जो न्यू मॉम होंगे ना वही समझ सकते हैं। तो अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे पे है, जब वो बड़ा हो जाए, देखो उठ गया, सो गया वो, ऐसा ही होता है। कोई भी काम करने जा रहे हो ना तो पहले उठ के रोना स्टार्ट कर देते। तो आप कोई भी काम कैसे करोगे मुझे बताओ। जब मैं नहाने भी जाती हूँ तो नहाने के ऊपर मेरा ध्यान नहीं होता है, यहाँ पर सब इसको देख रहे होते हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कहीं बाबू रो तो नहीं रहा, कहीं बाबू परेशान तो नहीं कर रहा, यही सारी चीज़ें होती है। ओ क्या बेटा, क्या हो गया सोना। अभी ना बहुत सारी शादियाँ लगने वाली है, लाइक जाना पड़ेगा मुझे मेरे मायके साइड भी, और इधर भी ससुराल तरफ भी एक आध शादियाँ हैं। तो वहाँ जाने के लिए ना मैं वही देख रही थी कि अगर मैं शादियों में जाऊँगी तो क्या ही पहनूँगी। तो मैंने अपना पिटारा खोल लिया जिसमें कि बहुत सारी साड़ियाँ मैंने रखी थी, तो उसमें से कुछ ऐसी साड़ियाँ भी थी जिनके मैंने अभी तक ब्लाउज स्टिच नहीं कराए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए ना मतलब साड़ी खरीद खरीद के रख लेती हूँ, या फिर अभी ख़रीदे वाले भी नहीं हैं ये, मैंने तो कब से साड़ियाँ ख़रीदी नहीं है। ये सारे ना मिले वाले हैं, कुछ गोद भराई में मुझे मिले थे, और कुछ लाइक मम्मी दीदी ये लोग सब मिले वाले ही साड़ियाँ पड़े थे। तो मैं वही देख रही थी कि इसमें से कौन सा मैं पहनूंगी। पहले मैंने सोचा कि कुछ ब्लाउज स्टिच करा लेती हूँ, बट फिर मैंने देखा कि अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं ब्लाउज स्टिच करा पाऊँ, तो मैंने कहा जो साड़ियाँ लाइक बहुत टाइम पहले मैंने पहनी थी उसी में से कुछ निकाल के मैं पहन लूँगी, और ब्लाउज़ वगैरह अभी मुझ में फ़िटिंग तो होने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत लाइक ढीला वीला करके पहन लेंगे, उसको ही पहन लेंगे। और अभी ना मतलब मैं इसमें से मेरे जो कपड़े थे पहले जो मैं पहनती थी, तो प्रेगनेंसी जब से थी तो सारे कपड़े मेरे में फ़िटिंग नहीं होते थे, तो मैंने सबको अंदर रख दिया था और सब निकाल के देख रही थी। तो ये वाली एक साड़ी मुझे मिली जो कि लास्ट ईयर मेरी एनिवर्सरी पे भैया ने मुझे दिया था,
मेरे भैया ने, रोहित भैया ये वाली साड़ी मेरे लिए लेकर आया था मेरी एनिवर्सरी पे, तो उस टाइम से ये साड़ी वैसी ही रखी है। अभी मेरी एनिवर्सरी फिर से आने वाली है, जून में आती है मेरी एनिवर्सरी, तो अभी तक मैंने ये वाली साड़ी भी स्टिच नहीं कराई है। इसकी ब्लाउज सब कुछ ऐसे ही पड़े थे, और सूट वगैरह मैंने एक दो लाइक गर्मी में पहनने के हिसाब से कॉटन वाले सिंपल सिंपल जो सूट थे मैंने वो सारे निकाले, और आई डोंट थिंक कि वो सूट मुझ में फिटिंग आने वाले हैं, तो उनको ढीला करूंगी उसके बाद मैं पहनूंगी। ओह आ गई आपकी बहू रानी। हेलो हेलो, देखो इधर देखो, बड़ी मम्मा के साथ खेली खेली कर रहे हो ना। आपकी भाभी भी आ गई खेली खेली करने। मैं तो मम्मी नहीं ले सकती हूँ, लिपस्टिक लग जाएगा छोरी को। अच्छा लगेगा क्यों, कैसा लगेगा? देख लिया मोबाइल, अब मोबाइल चाहिए नहीं चाहिए, वो मोबाइल की तरफ देखता ही नहीं है। अरे जिस लोग को फोन आता है ना, इतना बोलती रह जाती है, वो मोबाइल में देख के ऐसे मुंह घुमा लेता है, फिर मोबाइल में देख के ऐसे मुंह घुमा लेता है, ऐसा करता है वो। कॉफी बना रहे हो भैया? बहुत अच्छी बनाते हैं। पहली बार मेरे पापा आए थे ना, भैया के हाथ की कॉफी पी के इम्प्रेस्ड हो गए और मेरी शादी कर दी है। वाह, वो वाला पैकेट भी फाड़ दिए हो ना भैया? क्या करोगे ये साड़ी? नहीं ग्रीन है वो, इसको ग्रे बोल क्या? माँ आप नहीं पी रहे? माँ पी लो आप भी कॉफी थोड़ा सा। अरे 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 चाचा दो दिन बच रहा था, मैं अपने गए चाचू फूल पटा रहे। बंद हो गया कि वो हो गया, पाइप निकल गया? ये तो है, फूल पौधे में पानी डाल देने से पूरा मौसम ठंडा हो जाता है ना आसपास का। ओहो कितना प्यारा फूल खिला है हमारे घर। शोना शोना चांद, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, लल्ला ए लल्ला देखो मेरी बेटी छोटी सी गुड़िया जैसी। लिया का फूल है जो कि बहुत ही ज्यादा सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये है मेरा बेटा भैयू आशीष दीदी माम बेकी। चलो दोनों पास पास खड़े हो गए, हाय कर दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोल दो लल्ला। अभी ये शाम का टाइम लगभग 6:30-7 बज रहे थे, और घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बाबू को लेके थोड़ा बाहर आंगन में टहल लेती हूँ, घुमा देती हूँ उसको। वैसे तो रोज इतने टाइम मैं खाना बनाती हूँ और माँ और पापा ही बाबू को खिलाते हैं, बट आज फिर मैं बाबू के साथ खेल रही थी और बाबू के मालिश का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ फिर मैं बाबू की मालिश कर रही हूँ। अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मालिश हम सिर्फ 2 टाइम ही करते हैं, सुबह और शाम को ही करते हैं मालिश, और उसके बाद लाइक हमने खाना वगैरह खाया। और आज रात को उठ के हमारे घर में होती है पूजा, 2:30 बजे उठ के प्रसाद वगैरह बना के 4 बजे से पहले पूजा करना होता है, तो मुझे तो उठना है नहीं, प्रसाद वगैरह तो मैं बनाऊंगी नहीं इस बार, तो माँ ही करेंगी। तो ये वाली पूजा ना हमारे घर में भी होती थी, और मैंने हमेशा लाइक बचपन से ही देखा है कि मेरी मम्मी उठती थी और प्रसाद वगैरह बनाती थी,
और उसके बाद पूजा वगैरह करती थी। तो जब हम रात में खाना वगैरह खा लेते थे ना, उसके बाद मेरी मम्मी सारा लाइक रेडी कर देती थी, सब कुछ किचन वगैरह क्लीन करती थी, बर्तन वगैरह सब कुछ रेडी करती थी। सिर्फ वो रात में 2-2:30 बजे उठती थी, नहाती थी, प्रसाद बनाती थी, उसके बाद वो पूजा करती थी। तो फिर यहाँ पर मैंने भी माँ को बोला कि माँ खाना वगैरह खाने के बाद आप जाओ रेस्ट करो और बाकी बर्तन वगैरह मैं धो देती हूँ, किचन की मैं अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं कर देती हूँ, और आप जब उठोगे तो फिर आप उठ के सिर्फ प्रसाद बना के और पूजा कर लेना, है ना। वैसे तो मुझे भी उठना था बट अब नहीं उठ पाई तो कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से करेंगे। वैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं मम्मी को बोलती थी कि जब मैं ससुराल जाऊंगी और वहाँ पे भी ये वाली पूजा होती होगी ना तो मैं करूँगी, और कॉन्फिडेंस ये है कि यहाँ पर भी ये पूजा होती है और इस बार मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।